दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आप कैसे विंडोज़ 7, 8, 10 डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों विंडोज़ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना पीसी ओपन करना है। दोस्तों पीसी ओपन होने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र में आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डाउनलोड, उसके बाद आपको इंटर करना है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो साइट है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट है, आपको इसी से डाउनलोड करना है अपना विंडोज़। यहाँ पर जो ऑफिशियल साइट रहेगी उसी पर आपको आना है। यहाँ पर जैसे मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के विंडोज़ मिल जाएंगे। जैसे विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 7 है। आप अपने हिसाब से जो विंडोज़ डाउनलोड करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर विंडोज़ 10 पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको दोस्तों थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको डाउनलोड टूल नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको आना है। यहाँ पर आपका जो विंडोज़ 10 का जो टूल होगा यहाँ पर डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड होने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको यस कर देना है। यहाँ पर कुछ समय लग सकता है प्रोसेसिंग में। दोस्तों यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर लाइसेंस है आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको जैसा दो ऑप्शन मिलता है, अपग्रेड दिस पीसी नाउ, यहाँ पर आप डायरेक्टली आप अपने विंडोज़ को अपग्रेड कर सकते हो 10 में। और यहाँ पे आप क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव डीवीडी और आईएसओ फाइल। दोस्तों यहाँ पर विंडोज़ आईएसओ फाइल को आप बूटेबल बना के आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको विंडोज़ आईएसओ फाइल डाउनलोड करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया पे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पहले से टिक किया रहेगा यूज़ द रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर दिस पीसी लैंग्वेज और एडिशन और आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो या फिर एडिशन चेंज करना चाहते हो या फिर विंडोज़ का आर्किटेक्चर चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आपको अनटिक करना है। यहाँ पर आपको सारा लैंग्वेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश ही रखना है। तो यहाँ पर आपको एडिशन का ऑप्शन रहेगा। एडिशन में सिर्फ एक ही है, विंडोज़ 10 का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट होगा वही रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको आर्किटेक्चर में 64 बिट और 32 बिट या फिर आप दोनों रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर 32 बिट और 64 बिट में क्या अंतर है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 32 बिट क्या है जैसे और 64 बिट क्या है। तो दोस्तों दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले और सबसे बड़ा अंतर होता है जो रैम सपोर्ट का होता है। अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में 4 GB से कम रैम है तो यहाँ इस रैम पर 32 बिट सही से काम करेगा। वही अगर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में 4 GB से अधिक रैम यूज करते हो तो यहाँ पर आपको 64 बिट का जो होगा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको विंडोज़ की भाषा में बताता हूँ। जैसे आप 32 बिट सिस्टम में मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने की क्षमता कम होती है, वहीं 64 बिट में मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। बस यही दोनों में स्पीड का थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि 32 बिट क्या है और 64 बिट क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका रैम जो है 4 GB तक का है तो यहाँ पर आपको 32 बिट सेलेक्ट कर लेना है अपने पीसी के परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर यहाँ पर आपका पीसी 4 GB रैम से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको 64 बिट सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप बोथ सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जैसे 64 बिट को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन रहता है जैसे USB फ्लैश ड्राइव और ISO फाइल। तो यहाँ पर अगर मैं पहला ऑप्शन की बात करूँ USB फ्लैश ड्राइव क्या है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बूटेबल बना सकते हो अपने पेन ड्राइव में। तो यहाँ पर जो पेन ड्राइव का जो साइज होना चाहिए वो 8 GB तक का होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ISO फाइल है, यहाँ पर आप अपने विंडोज़ को ISO फाइल में डाउनलोड करके इसे आप बाद में भी बूटेबल बना सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं ISO फाइल पर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर अपने विंडोज़ ISO फाइल को किस जगह पर आपको रखना है तो यहाँ पर आपको वो फाइल फोल्डर ओपन करके सेव कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका विंडोज़ 10 ISO फाइल जो है वो डाउनलोड होने लगेगा। अगर आपको दोस्तों डाउनलोड में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ जो साइट है microsoft.com ऑफिशियल साइट से मैंने विंडोज़ 10 डाउनलोड किया है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से कैसे विंडोज़ डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।